कल 12 फरवरी फतेहगढ़ साहब की धरती उत्ते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे वल्लों संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले का सिंबोलिक जन्मदिन मनाया गया। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले की असल जन्म तरीक 2 जून की है, पर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर सिंबोलिक तौर के उत्ते 12 फरवरी उन्हों का जन्म दिहाड़ा मना आ रहा। कल उस तर्ज उत्ते चलद श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे वल्लों फतेहगढ़ साहब की धरती उत्ते संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले का जन्म दिहाड़ा मनाया गया। तो इस मौके श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के कौमी प्रधान सिमरजीत सिंह मान भी पहुंचे। MP मान ने मीडिया के नाल कीती हुई गलबात दे विच द ट्रिब्यून अखबार के उत्ते कई सवाल खड़े किए ने। उन्होंने कहा कि द ट्रिब्यून अखबार सदा तो सिखां दे खिलाफ भुगतदा आ रहा, हुण भी द ट्रिब्यून अखबार के वलों कौमी इंसाफ मोर्चा जिहड़ा चंडीगढ़ दीआं ब्रूहां दे उत्ते लग्या होया उसके खिलाफ आर्टिकल पेश किए गए ने, आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि द ट्रिब्यून अखबार सदा तो सिखां दे खिलाफ भुगतदा आ रहा, हालांकि ये सिखां दा ही चलाया हुआ अखबार है पर यह सिखां दे खिलाफ भुगतदा आ रहा। तो इस मौके सरदार सिमरजीत सिंह मान ने यह भी आख्या कि जेकर भविख दे विच कोई परमाणु जंग हुंदी है, परमाणु बंब किसी देश दे उत्ते भारत पाकिस्तान या चीन दे वल्लों एक दूजे दे उत्ते सिट्टे जांदे ने तां इह सिखां दी नसलकुशी साबित होवेगा, इस दे नाल सिख कौम दा नास हो सकदा। इस मौके उन्होंने अपने दित्ते बयान दे विच परमाणु जंग बारे, द ट्रिब्यून अखबार बारे अते होर चलांत मसलियां नूं लैके की कुछ आख्या। एक वड्डा बयान आया उन्हां दा सामने, तो उस बयान नूं तुहाडे नाल सांझा करदे हां। अज सिख कौम दे लई बहुत वड्डा दिन है जी। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जो साडी सदी दे सब तो वड्डे आगू होए है, उन्हां दा शहीदां दी धरती फतेहगढ़ साहब ते जन्मदिन मनाया गया, जिहड़ी कि बहुत वड्डी गल है। किन्ने सालां तों असीं लगे होए सीगे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले नूं हुकूमतां ते इन्हां दे साडे यार थल्ले रखणा चाहुंदे सी और भगत सिंह नूं उत्ते चकणा चाहुंदे सी। साडे कॉमरेड भाई कहिंदे आ कि अकाली दल अमृतसर खालिस्तान की गल क्यों कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के भरावों दसना चाहता बीबियों कि 1943 लीडर से हरकिशन सिंह सुरजीत 1943 पहली बारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने खालिस्तान का मता पास किया। ते जो 1984 तो बाद ते उस वेले सिखां दी आजादी का जंग शुरू होया, साडे कॉमरेड भरावां ने हिंदुत्व ते इंडिया दीआं मदुखां चक लईआं सिख योधिआं दे खिलाफ। इहदा जवाब इतिहास हमेशा तुहानूं मंगूगा। बेशक तुसी ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड, अमरीका, यूरोप चले जाओ, पर जो कुछ तुसी इनकलाब दे खिलाफ हुकूमत दीआं बंदूकां चक्कियां उह तुहानूं कदे इतिहास बख्शूगा नहीं। और अज जिवें तुसी इकट्ठ देखिआ सिखां दी मंग है कि साडा एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, बफर स्टेट पाकिस्तान इंडिया ते कम्युनिस्ट चीन दे बचाले, जिहड़ी एक बफर स्टेट होवे। ये तीन हुकूमतां दे कोले परमाणु हथियार हैं ते जे भिड़ पे ते पंजाबियां दा ते सिखां दा बिल्कुल नाश हो जूगा। दूजा हथियार हिंदुत्व दे कोले हैगा, जिहड़े हाकम हैगे है जिन्नियां साडियां डैम है, भाखड़ा डैम है सतलुज दे उत्ते, ब्यास दी डैम है, रावी दी डैम है, अगले दरिया चनाब दी दरिया दे उत्ते डैम है, उहदे उत्ते कंट्रोल इंडिया दा है। ये किसे वेले भी ये गेट
ਡੇਮਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਐਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। 1984 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਟੀਆ ਇਸ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁੱਤਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜੀ ਬਣਾ ਤਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੰਮਾ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 32-32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸੇ ਹੈ ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ।